चलो जी मास्टर तो आ गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऐ होंदी साडी क्लास स्टार्ट। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो अज आप गल करांगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस किवें जांदियां ने। तो पहला मैं थोनों आपदे बारे दसदा। मेरा नाम रवि सिंह है। मैं थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का CS ब्रांच का स्टूडेंट हाँ। तो आप देखते हैं अच्छे कैसी क्लासा जाएगियाँ। अज की पहली क्लास अपनी फिजिक्स की आ। तो क्लास स्टार्ट होगी 9 बजे स्टार्ट होंगी है क्लास। हाई वारी हो ही जाती है। वैसे मैं तो टाइम पर आ गया मास्टर। 9 मिनट तो 9 तो हो गया टाइम। आ जा मास्टर। चलो जी मास्टर तो आ गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऐ होंदी साडी क्लास स्टार्ट। मास्टर ओवरव्यू देगी ना पिछली क्लास का। किसी ने पूछा कि सर जी पिछली क्लास का ओवरव्यू दे दो। फिर आते ना हम क्लास स्टार्ट होएगी। पहला मास्टर ऐसे मत्था मारता रहा जवाखा जे नाल। हुण साडी वारी आई है। क्लास स्टार्ट होगी। नवा कुछ पढ़ाऊगा। फिर 9:50 ते अगली क्लास आऊगी। फिर अगे का टाइम देखांगे। चलो सुनते हैं जो सुनाउंदा मास्टर। एक्सीलरेशन है ठीक। इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी चेंज हो रही है या वैसे कुछ स्वाद जा नहीं होता। बिल्कुल ही ब्लैक बोर्ड जहाँ देखी जाइए। देखो यह कुछ ही होंगे। यह कुछ देखते रहीदा होंगे कुछ नहीं गा। कोई नवी चीज़ तो सिखाते नहीं गए। बस बोर हो ही जाइए। पर हाँ एक फायदा जो मर्जी चलाई जाओ क्लास के कोई नहीं रोकता ना किसी को पता लगे। वो तो वही फिल्म दिखाते हैं कि ऑनलाइन क्लासा सारे के कैमरे ऑन होंगे। कोई नहीं कैमरे कूमरे ऑन होंगे। इतना बंद ही रहते हैं सारे कैमरे। सर दो स्लाइड पीछे करना है। दो स्लाइड पीछे। यस। यहाँ। नहीं इससे पीछे सर। उसमें सर जो LC है वो क्या है सर? कहाँ पर लिखा है LC? सर एक और पीछे जाओ जरा। ये वाला सर ये L और C क्या है? L है लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल। ओके सर। देखा था ना कि जितना ज्यादा डेंस होगा वो मटेरियल के पार्टिकल्स उतने ज्यादा रोटेट करेंगे और जितनी ज्यादा देर तक ट्रैवल करेगा उसी मटेरियल में उतने ज्यादा रोटेशन होगा। तो L इज द लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल। ओके सर। ठीक है। यस सर। ठीक है। हां जी सर। ठीक है। हां सर। असि ऐ पूछदे हुने डाउट। वैसे कभी पूछे तो है नहीं गे पर कभी कभी पूछ लीदा। हूँ क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है। तो आज CS 12 की जो लैब है उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 जिसे एक्सपेरिमेंट करने हैं वो तैयार करके लाना। ठीक है। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ।
हूँ मेरी सब तो बोरिंग क्लास स्टार्ट होगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। मैं तय नहीं समझ आती का तो इन्होंने बनाई है क्लास यार, ना कुछ समझ आता ना कुछ। और चाबे पानी है ये बनाने को कह रहे, ये चाबी कैसे बनती है, ये पाना कैसे बनता है, इसके गियर लीवर कैसे बनते हैं, रब जाने किए बनते हैं, असी की लेना। सानू तो सॉफ्ट रेंज ने बना दे जो बनाना है। कोडिंग दे पावन दो क्लास ला लो पहले ही नहीं आती, आ एक नवी क्लास जी शुरू कर रखी है इन्होंने। चलो अज ये भी देख लेने हैं। 9:50 का टाइम हो गया, वैसे 9:52 हो गया, वैसे 10:35 हो गया टाइम। हुणी मैनुफैक्चरिंग क्लास मुक्की आ। भरावा अज का टॉपिक सीगा आर्क वेल्डिंग। मैनूं तां लगदा जे 10 दिन होर क्लास लाई ने इंजीनियरिंग दा तां पता नहीं मिस्त्री जरूर बन जाणे। चलो हुण नवीं क्लास देखदे हां किहदी है अज। हुण अगली क्लास हैगी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन दी। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਹਾਊ ਯੂ ਬਿਹੇਵ, ਹਾਊ ਟੂ ਟਾਕ, ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ 10:40 ਦਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ PC ਦੀ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮੁਸੇਜ ਆਇਆ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਲਾਸ ਕਲੂਸ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਵਟਸਐਪ। ਅਤੇ ਬਈ ਵਟਸਐਪ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ, ਉਹੀ ਲੈਕਚਰ ਜੇ ਬੋਰਿੰਗ ਜੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਾਂ ਲੈਬ 'ਚ ਬੜਾ ਨਿਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਕਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਲੈਬ ਲੂਬ 'ਚ। ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 11:30 ਵਜੇ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ 11:30 ਦਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਠੀਕ ਆ ਵੈਸੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਡਰਾਇੰਗ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ। ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਹੱਥ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿਊ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਟੋਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈਬ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, 1:10 ਤਾਈਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈਬ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੁੱਟੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ MST ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਿਉਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ।